नहीं हुए थे, तब मेरे मुंह से बात निकली थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के भीतर होगा। और माँ जगदम्बा की कृपा कि 6 साल के अंदर ये सच में तिहाड़ जेल के अंदर है। और इसका कारण जो आपने ये कहा कि ये तो एंटी करप्शन क्रुसेडर के तौर पे आए थे, बिल्कुल, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। और विडंबना देखिए अजीत भाई कि कल अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसने दिया, कल लालू यादव ने सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया। मतलब इससे बड़ी दुर्गति नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की जो भ्रष्टाचार से लड़ने आए और वो उस स्थिति पर पहुंच जाए कि उसको लालू यादव ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हो या राहुल गांधी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए नजर आए। मुझे लगता है कि जेल से भी बड़ी सजा अरविंद केजरीवाल के लिए ये है कि उसको बचाने के लिए भी आज लालू जैसे लोग खड़े। इससे बड़ी दुर्गति, इससे बड़ी दुर्दशा किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती जो ये कहने के लिए आया था कि मैं तो व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, मैं तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ूंगा।